Lollywood Pakistan, hello. Sadia Ibrahim official, hi. Thank you so much, Princess. Wait, एक सेकेंड. अरे इतनी धमाकेदार एंट्री. ये भैया जो घूमे जा रहा है. समझ नहीं आ रहा कि कौन आने वाला है. थैंक यू सो मच जी. यू लुक लाइक अ प्रिंस. जो भी था वो नहीं आया. उमेर काजी, हेलो, क्या हाल है उमेर? क्या कर रहे हो बच्चे इतनी रात को? हैं अच्छे बच्चे जल्दी सो जाते हैं. ना मैं भी अच्छा, मैं अच्छा बच्चा नहीं हूँ ना, इसलिए जाग. देखो बच्चा तो खैर मैं बिल्कुल भी नहीं हूँ. उमेर इज माय किड ब्रदर. नाहिल इदरीस, लव यू, लव यू टू. हाँ जी, कैसे क्वारंटीन चल रहा है? चल रहा है भाई. जहरा दानिश, हेलो इमरान, जावेद, मारिया, प्लीज से माय नेम. कैन यू सिंग हमें तुमसे प्यार कितना? मेरी खुशनसीबी है कि मैं आपसे बात. कौन है जी? लतीफ एजाज. थैंक यू लतीफ. मेरी भी खुशनसीबी है कि इतने प्यार करने वाले आप जैसे लोग हैं मेरे फॉलोअर्स. और बड़ा अच्छा लगता है जब आप इतने सारे अपने फैंस देखते हैं और आप इतने सारे अपने राइजिंग इस ग्राफ ऑफ फॉलोअर्स देखते हैं तो बड़ी खुशी होती है. ओके जी, ये कौन है? शेजी 1991. यार अब के बार मेरा कनेक्शन ठीक है इसलिए प्लीज हो जाएगा. अच्छा जी, तो देखते हैं कि अब चलिए जी, बताइए कि आपको मेरा सबसे फेवरेट ड्रामा सीरियल कौन सा लगता है? मैं बताऊं, मुझे अपना लगता है खुदा और मोहम्मद.
वो भी सीजन 1। पता नहीं क्या बात थी उस सीरियल में कि मैंने जितना भी काम किया यहाँ या इंडिया में या कहीं भी, जो मुझे रिकग्निशन सही जो मानों में मिली है ना, जो प्यार मुझे मिला है, वो जितना खुदा और मोहब्बत से मिला है वो किसी सीरियल से नहीं मिला। ये बात मुझे कहने में कोई हिचकिचाहट नहीं है। कुछ चीजें बस इत्तेफाक से बन जाती हैं, मिल जाती हैं, और मुझे भी लगता है वो प्रोजेक्ट मुझे मिला और वो इतना खूबसूरत सीरियल बन के निकला। और जितनी फैन फॉलोइंग मैंने अपनी उस सीरियल के हवाले से देखी है, कमाल, हर चीज उसमें अच्छी, मतलब कमाल थी। उसका कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा था, ऑल्दो वो पहला वाला सीरियल जो था वो अधूरा बना, उसका सेकंड पार्ट नहीं बन सका, बट फिर दोबारा जब बनाया उन्होंने तो वो बात नहीं आ सकी जो पहले में थी। और उसमें मेरी को स्टार सादिया खान, जो ईमान का रोल किया, आई थिंक दैट वाज अल्टीमेट, और वो लगता है कोई और नहीं कर सकता था उस तरह जिस तरह सादिया ने किया, और सादिया की वो भी पहचान बनी। शी इज अ वेरी वेरी डियर फ्रेंड ऑफ माइन, एंड आई होप इफ शी इज वॉचिंग मी नाउ, इफ शी इज एबल टू कम ऑनलाइन, आई वुड लव टू सी हर लाइव, एंड बिकॉज देयर सो 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 मैनी फैंस ऑफ मी एंड सादिया हु वॉन्ट टू वॉच अस टूगेदर ऑन स्क्रीन एंड इवन ऑफ स्क्रीन। और हमें बड़ी बड़ी लोगों ने के मशवरे आ रहे होते हैं कि आप बस लेकिन सादिया मेरी बहुत ही प्यारी दोस्त है। देखते हैं कि सादिया ऑनलाइन है तो बड़ा मजा आएगा कि हम साथ इस वक्त यहाँ कुछ थोड़ी सी बात करेंगे। और थैंक यू सो मच जी फॉर लाइकिंग थोड़ा सा हक। एक बार शिफा बोलो, शिफा बोल दिया। ठीक इमरान अब्बास सर, सादिया मैम ने अभी मैसेज किया आपके लिए, हाय। अच्छा सादिया, इफ यू देयर लेट मी चेक कि अगर आप हैं तो बस फिर आ जाए, ऑनलाइन मजा आएगा। ओह यस, सादिया इज देयर जनाब, सो हु इज गोना कम नाउ लाइव विद मी इज माय डियरेस्ट फ्रेंड सादिया खान। हे सादिया, क्या हाल हाय, है? अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हो? बिल्कुल ठीक ठाक सादिया, तुम कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आपका भी अभी मैसेज मैंने तुम देखा रात के इतने बजे भी इतनी प्यारी लग रही होती हो, कमाल है यार। मैं क्या करे क्वारंटीन में इमरान, आई हैव नथिंग टू डू। क्या करे, मैं शाम को शावर तैयार हो लिया, जाती मैंने हो? थोड़ा तैयार हुई, मैंने कहा फ्रेश फील करती हूँ। डिप्रेसिंग ट्रू एनवायरनमेंट चल रहा है और कुछ भी करने को नहीं है। मैंने थोड़ा सा मेकअप किया, कपड़े पहन के पिक्चर्स हाँ, ये लेती हूँ। अपने और यार पॉजिटिव अच्छा, रहना बहुत जरूरी है इन हालात में इमरान। मतलब पूरा पर दिन अपने घर आप पे, पूरी को रात घर पे, इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट टू फेस ऑल दिस सिचुएशन। सादिया यकीन करो, तुम्हारे इतने फैंस, इतने मुझे मैसेजेस आ रहे होते हैं, और सबकी ख्वाहिश यही होती है कि, सुन रही है ना ये आप, हाय, क्या याद करवा दिया। सादिया दिस इज सो मैजिकल एंड इट ऑलवेज टेक्स मी बैक टू दैट टाइम व्हेन वी एंड द बेस्ट बेस्ट थिंग एवर हैपेंड टू मी। आपने तो बहुत सारे सीरियल किए हैं इमरान, और मैंने तो लाइफ में आई थिंक 5-6 मतलब इतने ही किए हैं, लेकिन मेरे लिए इट्स अ बिग थिंग कि मेरी ये पहचान बना ये सीरियल। और मतलब रोंगटे खड़े होते हैं अभी भी सुनो तो। इट्स बिन है ना? अ वाइल हाँ, कि जब और मुझे अभी याद भी है कि जब सुनो तो जब कुछ जब होता ये है। ऑफर हुआ था तो अच्छा, उस वक्त मैं आपको बड़े मजे की, बहुत सारे लोगों को बताऊं कि सादिया की कास्टिंग जो थी ना वो बहुत अचानक हुई। एक और हमारी एक्ट्रेस थी, वो एक सीरियल कर रही थी और अनफॉर्चुनेटली उनके कोई इश्यूज हो गए एंड वो नहीं आ सकी, तो हमें फौरन फिर हमें कास्ट करना था। और मुझे, मेरे एक दोस्त हैं तैयब, उन्होंने मुझे सादिया की तस्वीर भेजी कि सादिया साथ मॉडलिंग कर रही थी, उसने कोई टीवी पे काम नहीं किया था। तो मेरे जो डायरेक्टर अंजुम ने कहा कि यार बहुत खूबसूरत लड़की है ये तो, एंड शी इज टेलर मेड फॉर दिस कैरेक्टर। मैंने कहा पता नहीं एक्ट कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी। सो मैं भी बड़ा डर गया कि इतना बड़ा सीरियल है और हम किस तरह, कि चलो अल्लाह का नाम लेके बुलाते हैं। एंड व्हेन शी केम फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन द सेट, आई वाज सरप्राइज्ड कि ये इतनी, एक तो माशाल्लाह प्यारी है,
और सब भी बहुत प्यारी थी। मुझे लगा कि जब दुपट्टा उसको थैंक उड़ा के यू. लेकर आए उस कैरेक्टर के लिए, तो लगा कि ईमान इससे बेहतर, और अल्लाह का शुक्र है कि जो दूसरी खातून जो कर रही थी वो नहीं कर पाई, और सादिया उसमें आई, और सादिया का आना उसके लिए आई थिंक इतना लकी साबित हुआ कि अगर वो मैं कोई एक और बात करता तो बता शायद दूं, ये यहाँ पे सब खुदा लोगों मोहब्बत वो को बनता ही ना। कि इस कास्टिंग के लिए अंजुम का कॉल आया, मुझे जवेरिया का फोन आया, मुझे साउथ का आया, एंड आई रिफ्यूज ऑल ऑफ देम कि मैंने नहीं करना, मैं कराची में नहीं आ सकती, मैं वहां नहीं रह सकती, ये वो. और जब इमरान का फोन आया तो आई वाज लाइक, ओ माय गॉड, इमरान अब्बास कॉल्ड मी. मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी. और एंड आई सेड यस, मैं करूंगी ये सीरियल. और मेरा मेरा ऑडिशन ये हुआ था, कुछ भी नहीं था कि सर पे दुपट्टा लेकर दिखाओ, एंड मैंने लिया तो डायरेक्टर कहते हैं बस. मैंने कहा क्यों, मतलब कोई डायलॉग नहीं बोलना? तो कहते हैं नहीं, हमने सिर्फ ये देखना था कि किस लड़की को सर पे दुपट्टा सूट करता है, एंड यू आर परफेक्ट फॉर दैट रोल. तो और उसमें उसमें मेरा ख्याल है बस जो सबसे अच्छी बात ही यही थी सादिया कि उसके अंदर जो ईमान की एक सादगी और प्योरिटी थी ना उस रोल के लिए, उसमें उनको कोई ऐसी ही लड़की होनी चाहिए थी जो कि जिसकी स्क्रीन में कोई ना हो, और जी उसकी शक्ल पे इनोसेंस इतनी हो कि वो लोग जब वो मरे तो लोग अभी तक रोते हैं, यकीन करो अभी हाँ, तक रोते हैं। तो मैं रोई. आई माई वो सेल्फ क्राइड जब मैंने हाँ लास्ट मैं जब एपिसोड देखता जो हूँ मुझे देखा हाँ तो मैं रोई. मैंने कहा यार, मैंने तो एक्टिंग की है इस सीरियल में, और जिन लोगों ने, मतलब जिन लोगों को पता ही नहीं है एक्टिंग क्या होती है और कैसे शूट किया जाता है, कैसे एक्टर्स परफॉर्म करते हैं, तो उनका क्या हाल होगा. मैंने अभी रिसेंटली एक अर्तुगरुल मैंने सीजन शुरू किया था, और उसमें जब वो जो मेन एक्ट्रेस थी उसकी डेथ हुई, तो आई स्टॉप वॉचिंग दैट सीरियल. तब मैंने रिलेट किया, मैंने कहा यार, खुदा और मोहब्बत, इस वजह से लोगों ने मुझे कहा कि हम अब नहीं देख रहे, बिकॉज ईमान मर गई, हम नहीं देख रहे ये वो. तो मुझे समझ आई कि लोगों के कितने स्ट्रांग फीलिंग, कितने लोग अटैच थे इसके साथ. और यू आर अमेजिंग इमरान, आपने मेरी डेथ के ऊपर जो आप रोए थे, दैट वाज ऑल रियल. मैं सब लोगों को बता रही हूँ कि आपकी बहन की उन दिनों डेथ हुई भी थी, और सब कट हो चुका था शूट, कैंसर उन्होंने कह दिया था डायरेक्टर ने कट, लेकिन आप रोना नहीं बंद कर रहे थे, आपने सबको रुला दिया था. इवन मतलब मैं उस वक्त, कि वो रियल सीन है, तभी तो लोगों के दिल में वो बैठ गया है कि आप जो भी कर रहे थे वो एक्टिंग नहीं थी, दैट वाज ऑल और रियल. स्पेशली मेरे एक वो डायरेक्टर सीन ने, सादिया, मैंने जो हाँ दोनों दफा वो सीन किया जब वो ट्रेन के पीछे भागने वाला हाँ सीन, तो वो भी इतना हाँ इंटेंस और इतना पावरफुल था जब वो हमाद उसको देखता है, बहुत और वो बड़ा प्यारा सीन था कि वो हाँ उसको पता है कि वो उसको नहीं मिल सकती, और उसको तेर से बात देखता है, और वो अब्दुल्ला के साथ और ट्रेन में जा रही होती है, तो वो इतना हेल्पलेस हो जाता है, और वो लड़की उसको देख के इतनी हेल्प अजीब सा होती है, उसको हैरान इतनी हैरत होती है कि ये मेरे इश्क में क्या से क्या बन गया, और ये फाइनली कुली एग्जैक्टली. बन गया, और और किसने इतनी बड़ी अपनी दफा वो इतनी पूरी गर्मी थी, 45+ टेम्परेचर था, आप इतनी दफा गिरे थे, मुझे याद है आपके घुटने छिल गए थे, आपके कपड़े फट गए घुटने, थे, मेरा आपका मुंह आइसक्रीम जल गया था, फट इसलिए कि गया. लाहौर की गर्म तरीन दिन थे, प्लेटफॉर्म की गर्मी, HMIC की गर्मी, स्टेशन की गर्मी, इंजन का धुआं और वो और गर्मी, वो और सारा मुझे उसके प्यार जो फौरन हमने बाद उसमें डाला था वो लोगों ने एक्चुअली फील किया, हमने दिल हाँ, से किया. और देयर वाज समथिंग, कुछ था इसमें, इस कैरेक्टर में, सादिया मैंने उस उसके फौरन फिल्म बाद में. मुझे अपनी फिल्म के लिए शूट के लिए जाना था इंडिया, ऐ दिल है मुश्किल के गाना जो हाँ था वो ब्रेकअप सॉन्ग, और मेरा मुंह लिटरली सूज गया था, मैं गिरता था बार बार, तो वो मेरा बिल्कुल मेरा फेस जल के सूज गया था, और जब मैं वहां इंडिया भी पहुंचा तो जितने भी मेरे लोग थे वो सभी कह रहे थे क्या हुआ है आपको, और मैंने कहा भाई मैं एक ऐसा करके आ रहा हूँ काम जो आप लोग अभी आपको नहीं पता चलेगा कि वो कितना मेरे दिल के करीब है, और उसमें उन्होंने कितनी एफर्ट पुट किया, सो आई वॉज वेरी अपसेट ऑनेस्टली व्हेन दिस आई सीरियल नो. वॉज नॉट नॉमिनेटेड, एंड जिस तरह के हमारे अवार्ड होते हैं उसमें मुझे कभी अवार्ड्स का कोई हमारा लालच नहीं अवार्ड हुआ, हमारे फैंस है इमरान, ये हमारी, लेकिन हम जो मुझे हैरत बाहर होती है कि निकलते लोगों को हैं. ये क्यों नजर नहीं आता कि आप जब बाहर निकलते हैं और आपको जब तो आप पेशावर फ्रंटियर पर उस बॉर्डर पे चले जाएं, चाहे नॉर्थ या चाहे साउथ के बॉर्डर पे या उस कोने में, आपको कहीं खुदा और मोहब्बत के फैन ऐसे नहीं है जो ना मिले, तो ये एग्जैक्टली. लोगों के फोन्स में अभी तक उसके डायलॉग्स हैं, वो उसके अभी तक मीम्स, उसके मीम्स कह रहा हूँ, उसके जो वो बनते हैं जो शेर लिख लिख के, उसकी जो
एडिट करके लोग पोस्ट बना रहे होते हैं, हालांकि अभी कितना तक पुराना हो गया वो स्टिल सीरियल, लेकिन लोगों आफ्टर के दिल से वो सो नहीं मैनी उतरता। इयर्स आई मीन कोई भी ड्रामा हिट होता है हम भी देखते हैं, मतलब कुछ महीनों बाद लोगों के दिमाग से वो निकल जाता है, लाइक इट्स निकल बीन जाता। मतलब इतने साल हो गए हैं, लोग आज भी मैं कोई पिक्चर पोस्ट करती हूँ नीचे खुदा और मोहब्बत का नाम जरूर आता है आज भी। तो मतलब हमारा अवार्ड तो यही है, हमारे फैंस जब हम बाहर जाते हैं उनका प्यार, उनकी जो भी हमारे लिए मोहब्बत है, हमारा तो यही अवार्ड है हमारे लिए, और अवार्ड कोई मायने नहीं रखता। आपको पता है मैं कभी अवार्ड ना शो पे जाती नहीं हूँ, तो मुझे तो ना कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि इसको नॉमिनेट करें या नहीं करें, इतनी लोगों की मोहब्बत इतना प्यार जो है वो ही हमारे अवार्ड्स हैं इमरान एक्चुअली। बिल्कुल सही, बिल्कुल। सादिया, क्या क्या होता रहता है आजकल, क्या करती रहती हो, कोई हॉबीज, कुछ नया कुछ एक्सप्लोर किया यार अपने अंदर कुछ और? एक्चुअली जहाँ पे इसके नुकसान है, आइसोलेशन जो क्वारंटीन चल रहा है वहाँ बहुत सारे फायदे भी हैं, आपको बहुत सारा टाइम खुद को जानने में जो आपको पता चलता है कि एक्चुअली हम लोग किस दौड़ में किस भाग दौड़ में चल रहे थे, थोड़ा सा रुक के थोड़ा सा ठहर के अपने अंदर झांकना, और ये सब चीजें बहुत इम्पोर्टेंट थी कि मैं ऑब्वियसली लेट उठती हूँ, कभी कभार नमाज भी पढ़ लेती हूँ, एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ, लेकिन अब एक ठहराव सा आ गया जिंदगी में, वो भाग दौड़ खत्म हो गई है। वो जो अजीब सा एक चल रहा था कि हर कोई भाग रहा है, हर मतलब अजीब सी चीजें चल रही थी, वो खत्म हो गया है। आपको फैमिली के साथ बहुत सारा टाइम गुजारने को मिलता है, और रियलाइजेशन हो रही है असल में कि ब्लेसिंग्स क्या होती हैं, जो हमारे पास इतना कुछ है हम भूल चुके हैं सादिया, उसका कुछ शुक्र कुछ अदा नहीं तुम करते। गाती भी तो हो ना, माशाल्लाह, बहुत अच्छा गाती हो तुम। नहीं मैंने कभी सीखा नहीं है, आप बस थोड़े से लोगों ने नहीं सीखा तो नहीं है, सुना है कि लेकिन मैं। तो कोई कोई प्लान है? हम ये भी तो प्लान कर हाँ रहे थे ना मिलकर, कुछ एल्बम निकालने के, कुछ एक दो अपने नंबर्स निकालने के लिए। हाँ अब कर सकते हैं, अब टाइम है, हम दोनों कर सकते अब हैं, टाइम कुछ है गा ना सकते हैं, आप इतना अच्छा गाते हो, मैं इतना अच्छा नहीं सादिया, कुछ कुछ हो जाए, कुछ कुछ गाती। हो जाए मेरे फैंस के लिए, अपने फैंस के लिए, खुदा और मोहब्बत के फैंस हाँ के लिए। मतलब क्या अभी अभी कुछ ठीक है, सुनाओ ना अच्छा सा कुछ। ठीक है, एक सेकंड, मैं जरा ये बंद कर। आप शुरू करो, मैं आपका साथ देती हूँ इमरान। नहीं, ये मैं तो अभी, मैंने अदनान से देखी, भाई ने बहुत मिलकर कहा है, अब तुम गाओ अकेले। नहीं प्लीज मेरे साथ गाओ, मेरी प्रैक्टिस जीरो तुम है शुरू तो इसीलिए। करो, शुरू करो, शुरू करो, देखते हैं गा सका तो। करूं सजदा एक खुदा को, पढ़ू कलमा या मैं दुआ दूं, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। एक लाइन आप गा दो प्लीज। खुदा के नाम पे, खुदा के नाम, सजदे में सर झुकना इबादत है, वो दिल अल्लाह का घर है, कि जिस दिल में मोहब्बत है, खुदा के नाम। करूँ सजदा एक खुदा को, पढ़ू कलमा या मैं दुआ दूँ, दोनों ही वाओ एक माशाल्लाह खुदा और माशाल्लाह, मोहब्बत, पढ़ू आयत कोई सूरत, सनम के वाओ माशाल्लाह, नाम का कलमा ये माँ है, बगावत है, जुनू है या हकीकत है, मेरा किबला तू, काबा तू, मेरा तावीज मन्नत है, खुदा के नाम में पिनहा मेरे दिल में मोहब्बत है, खुदा के नाम। के नाम।
वाह है ब्यूटीफुल, खुदा खूबसूरत, जैसी, खुदा ही तो मोहब्बत है खुदा के नाम। जुदा एक हूँ, पढ़ू कलमा या मैं दुआ दू, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत, दोनों ही एक खुदा और मोहब्बत। सादिया कहाँ चली गई? मैं इधर ही हूँ. आवाज आपकी बहुत कट कट कर आ रही है. बहुत खूबसूरत गाया है इमरान, एज ऑलवेज थैंक यू। बहुत खूबसूरत. इस गाने में आई मेरे थिंक सिग्नल अपने दिल के कोई, जज्बात शामिल हो जाते हैं। आई नो खैर बहुत अच्छा हुआ हम लाइव आए एक साथ, बिकॉज हमारे फैंस हमें बहुत अरसे से एक साथ देखना चाह रहे अभी हैं. तो खैर बहुत एक ही सिंगल, मेरे ख्याल एक्सीडेंटल सा था ये हमारा आना। ऐसा करते हैं कल या हाँ परसों प्लान करते हैं जी, प्रॉपर, ठीक है? तो अभी जो भी हमारे हाँ फैंस हैं वो तैयार रहे हैं। हम कल तो मैं शायद रीमा जी के साथ आऊंगा, परसों फिर हम आते हैं और प्रॉपर ठीक है, हम ठीक है। तो आप जो भी सवाल हमसे करना डन. चाहते हैं, मुझसे और सादिया से, तो हम सादिया के पेज पे भी आएंगे और मेरे पेज पे भी आएंगे। तो आप सादिया को डन, भी ईमेल कर सकते हैं और मुझे भी ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल जो हमारे प्रोफाइल पे लिखा हुआ है, एंड आस्क एनी डिसेंट क्वेश्चन विच यू वॉन्ट टू एंड विल डेफिनेटली डेफिनेटली ट्राई टू आंसर। डिसेंट क्वेश्चन मेक श्योर। वो शर्त है कि डिसेंट होना चाहिए. ठीक है, डिसेंट और तमीजदार, ठीक है? तो चलिए, इट वाज लवली टॉकिंग टू यू सादिया एज ऑलवेज, एंड इट वाज लवली टॉकिंग टू ऑल ऑफ यू सेम है गाइस इमरान, हु वाचिंग अस लाइव। आई इंशाल्लाह लव इट. परसों फिर हम दोबारा मिल रहे हैं, ठीक ठीक है? टाइम हम आपको बता देंगे अपनी अपनी इंस्टाग्राम पे। इंशाल्लाह, राइट, टेक केयर ऑफ टेक केयर, योरसेल्फ एंड स्टे टेक सेफ केयर, एवरीवन. लाफ इट, यू टू, यू टू। ओके सादिया, ओके, टेक बाय। केयर.